बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजभवन को उड़ाने की धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। तो सचिवालय चौकी इंचार्ज ने हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर हजरतगंज की को सौंपी गई है। तो जांच के लिए सीओ हजरतगंज की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। वहीं आईजी रेंज लखनऊ और एसएसपी लखनऊ ने राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। तो यूपी राजभवन को 10 दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसी मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। तो लगातार टीमें भी तैनात की गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राजभवन को उड़ाने की धमकी के तहत ये मामला जो अब दर्ज कर लिया गया है। सचिवालय चौक इंचार्ज ने हजरतगंज कोतवाली में इस मामले को दर्ज कराया है। तो मामले की विवेचना इंस्पेक्टर हजरतगंज करेंगे। वहीं जांच के लिए सीओ हजरतगंज की अध्यक्षता में टीमें गठित की गई हैं। तो आईजी रेंज लखनऊ और एसएसपी लखनऊ ने राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। तो ये धमकी मिली थी 10 दिन के भीतर राजभवन को उड़ाने की, और इसी के तहत अब सुरक्षा को चौकन्ना किया जा रहा है, व्यवस्थाएं और दुरुस्त की जा रही है। इसके साथ ही टीमों को भी गठित किया गया है ताकि वो हमेशा हर घंटे हर एक मिनट चौकन्नी रहे। तो हजरतगंज थाने में इस पूरे मामले को लेकर एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से राजभवन को उड़ाने की धमकी मिली है वो काफी यहाँ पर अधिकारियों के पैर फुलाए हुए हैं, हाथ पैर फुलाए हुए हैं, और ऐसे में अधिकारी लगे हुए हैं। तमाम अधिकारियों की जो नजरें हैं, पुलिस प्रशासन की जो नजरें हैं, वो फिलहाल राजभवन की ओर, जहां पर सुरक्षा जो पहले से ही मजबूत है उस सुरक्षा को और भी मजबूत करने की कोशिशें फिलहाल वहां पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 10 दिन के भीतर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी राजभवन को, और ऐसे में फिलहाल सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है, और इसके साथ ही हजरतगंज में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। वहीं जांच के लिए सीओ हजरतगंज की अध्यक्षता में टीमें गठित की गई हैं। वहीं आईजी रेंज के लखनऊ और एसएसपी लखनऊ ने राजभवन की सुरक्षा का जायजा भी लिया है।